मैं इधर आ गया हूँ एथेंस, ये ग्रीस का कैपिटल है और इस वक्त मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। तो इसके दो फ्लोर है, अराइवल और डिपार्चर। अभी जो अपस्टेयर्स है वो डिपार्चर है और मौसम यहाँ पर देखें ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और क्या उसे कहते हैं अराइवल जो है वो डाउनस्टेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं जो आप देख रहे हैं। अगर आपने इधर आना है तो आपने डिपार्चर करना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, और अगर आप अराइवल है तो आपने नीचे आना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ थोड़ी सी और हिंट्स दे देता हूँ। अगर आपने सिटी सेंटर जाना है एथेंस के, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बस नंबर जाएगी 95 और स्टेशन का नाम है स्टिग्मा। आपने यहाँ जाना है, ये 5.5 यूरो का टिकट होगा एक तरफ का। और अगर आपके पास बैगेज है तो आप वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर बैगेज सेंटर भी है, बैगेज सेंटर भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा मौसम है। तो यह कि ये जो मैंने आपको बताया है इनका एयरपोर्ट जो है ये काफ़ी सिटी से आउट है। लेकिन जैसे यहाँ पर टूरिस्ट सुन सकते हैं, ये वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये देख रहे हैं आप, सिटी के बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप सिटी के बाहर का व्यू। पीले रंग की टैक्सीज यहाँ पर होती हैं। ये देखें, ये टैक्सी है, पीले रंग की टैक्सीज हैं यहाँ पर। ये झंडा आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखें टैक्सी वगैरह भी इधर हैं। ये पुलिस की गाड़ी है सामने, आप देख रहे हैं। ये एयरपोर्ट है यहाँ का। मौसम जैसा है, ये देखें डिपार्चर के लिए आप जा रहे हैं तो सारी एयरलाइंस जैसे होती हैं उनके इधर लिखे हुए हैं कौन कौन सी एयरलाइन किधर किधर से जा रही है। डिपार्चर जा रही है 1 से, ठीक है। तो आए अब हम नीचे चलते हैं, आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट के अंदर से दिखाते हैं। काफ़ी आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कैसा लग रहा है आपको इधर आके? कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा आपको? जी। और गर्मी है? जी। अच्छा, और ग्रीक की लैंग्वेज वियर्ड है। ग्रीक की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, तो ये कह रहे हैं। ये देखिए स्टैचू भी लगाया हुआ है इन्होंने एयरपोर्ट के बाहर। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। ये देखिए डिपार्चर है, ये डिपार्चर वाला है, यहाँ पर सारे काउंटर बने हुए होते हैं। इस सामने मेन स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं अराइवल पर।
डाउनस्टेयर अराइवल है, बताएं डाउनस्टेयर क्या है? अराइवल फॉर शॉप्स, शॉप्स भी हैं। ये अराइवल आ गया डाउनस्टेयर, आप देख रहे हैं। तो आपने अगर अपने बैगेज वगैरह यहाँ पर अगर जमा करवाने हैं, अगर आपकी फ़्लाइट है तो ये सामने जो है वो बैगेज सेंटर है, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर अपना बैगेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। बड़ा बैगेज जो होता है वो 10 यूरो का है 6 आवर के लिए, और स्मॉल जो है वो 6 यूरो है 6 आवर के लिए, ठीक है। और अगर आप 6 आवर से अबव हो जाएंगे तो 12 यूरो आपकी फ़ीस चार्ज करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी खाने की काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आएंगे तो आपको ना दो किस्म की लैंग्वेज नज़र आएंगी, एक इंग्लिश आएगी और एक ग्रीक आएगी। तो ग्रीक के अल्फ़ाबेट भी कुछ डिफरेंट हैं, जैसे ये देख रहे हैं, और ये इनका पोस्ट ऑफिस है, ये वाला पोस्ट ऑफिस है, और ये ग्रीक में लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस। ये इंफॉर्मेशन सेंटर है एयरपोर्ट का, और यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है बाहर। ये अराइवल का है, ठीक है, ये अराइवल का, यहाँ पर ये अराइवल का है, और ये आप देख रहे हैं ये अराइवल लिखा हुआ है। बस अगर आपने लेनी है तो आपको ना डिपार्चर से ऊपर से बस मिलेगी, बस का जो सेक्शन है वो ऊपर है, नीचे ये जो सा अराइवल है आप देख रहे हैं। टैक्सीज भी होती हैं यहाँ पर, अराइवल में अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पर अराइवल में टैक्सी लगी होती हैं तो आपको टैक्सी मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए सारी टैक्सी कितनी लाइन में लगी हुई है अराइवल में। डिपार्चर में ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऊपर से बसें मिल जाएंगी, अगर आप मैसेज सेंटर में जाना है तो। ये देख रहे हैं आप, और अगर आपने ट्राली लेनी है तो ट्राली अगर आप लेनी है उसका भी 1 यूरो लगता है, वैसे मुफ्त में ट्राली नहीं यहाँ पर मिलती। और इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी अपने फ्रेंड्स ये देखा कि अगर आपने एथेंस जाना है तो आपको एयरपोर्ट का कोई आइडिया हो गया है कि आपने कैसे आना है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम का जो सागा वो सेव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, मैं ये आ गया हूँ एथेंस में, आया हूँ। ये एथेंस का जो है
ये है एयरपोर्ट है, ये डिपार्चर जो है इसका ऊपर होता है और नीचे जो है इसका अराइवल होता है, ठीक है। तो ये जो है एथेंस का एयरपोर्ट है, ये सिटी से आउटसाइड पर है। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म मौसम है। तो एथेंस में मैं इधर आया हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और लेकिन टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर मेरा मतलब इस वक्त हाई बूमिंग पर है, काफ़ी चल रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ से जाना है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने जाना है सिटी सेंटर, ये सिटी सेंटर है, ये सिटी सेंटर है, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और 9 यूरो इसका होगा टिकट आने जाने का, 16 यूरो आपको पड़ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देख रहे हैं ट्रेन का स्टेशन है, वो हम देखने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं मेट्रो जो उनका टाइम लिखा हुआ है, मेट्रो का ये टाइमिंग है और इसकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इधर लिखा हुआ है, रशियन में भी है, अरबी में भी है, इटालियन में, इंग्लिश में, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है। तो आपने जो भी क्लिक करना है उसको ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे करके आपने यहाँ से परचेज करना है, कार्ड लगा के ऐसे आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, आप इनसे परचेज करेंगे। और यहाँ पर 2 स्टॉप हैं, ये वाला स्टॉप है और ये ट्रैवल का इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से लेनी है और दूसरा स्टॉप जो है इसका वो वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपने किस लोकेशन पर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये तो ये जो है एयरपोर्ट के साथ जो है ट्रेन यहाँ से लिंक होती है इस टर्मिनल से, इस तरह करके यानी। ये देखिए ये जो है ट्रेन स्टेशन है यहाँ पर, ये इसका मैप बना हुआ इधर, और आपने यहाँ से टिकट खरीदना है, टिकट आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो जो उसका ट्रेन का मैप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रीस का, ये देखें। ये नज़र आ रहा है मैप, और ये जो है ये है वो उसका है। ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से वो टिकटें खरीदेंगे। यहाँ पर भी एक प्यारा सा व्यू है, आप देख रहे हैं प्यारा व्यू है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी पार्किंग है यहाँ पर, और ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पे, ये ट्रेन का स्टेशन। अब ये देख रहे हैं यहाँ से आप रिसीव उतर के जाने हैं,
ये पार्किंग है सारी, आप ये देख रहे हैं, ये सारा जो है ये एयरपोर्ट का इयाता आप देख रहे हैं, और सामने यहाँ पर आप एक जहाज भी देख रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और पार्किंग भी काफ़ी वसी है, ये देखें सारी पार्किंग। पार्किंग में जाने के लिए आप या तो ये स्टेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर अब ये लिफ्ट के जरिए से जा सकते हैं। हवा काफ़ी चल रही है, ये जो कार पार्किंग देख रहे हैं इसके पीछे ये जो है रनवे है एथेंस में, और यहाँ पे जहाज जो होते हैं वो लैंड करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके वो जाते हैं, ऐसे करके ये सारा रूट यूज़ करते हैं। तो हवा भी आप काफ़ी सुन रहे हैं, हवा ये भी आ रही है। ये देख रहे हैं जी मैप आप, इसका एयरपोर्ट का सारा मैप है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एथेना एथेंस को कहते हैं ग्रीक में।